नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इन दिनों पूरे देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है। अब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर सारी बातें लगभग क्लियर हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है। और तेजस्वी यादव ने क्यों कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट वो लोग बजा देंगे जिनके साथ आप हकमारी करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहते हुए मोदी सरकार को चेताया है और क्या उनके कहने की मनसा है, ये तमाम बातें आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, उस पोस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी, लेकिन फिलहाल चेतावनी दी है बीजेपी को, अगर अन्य पिछड़े वर्ग का हक वो छीनेंगे तो ये वर्ग ईंट से ईंट बजा देगा। तेजस्वी ने महिला आरक्षण विधेयक लाने में नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण जनगणना के पश्चात नए सिरे से परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि ओबीसी कुल आबादी का लगभग 60% है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि उनके हिस्से का उल्लंघन करने का कोई प्रयास किया जाता है तो वो जानते हैं कि इस पर दावा कैसे करना है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट जो किया है उसमें लिखा है कि ओबीसी लड़का वर्ग है, मोदी सरकार अच्छे से जान ले, अगर बीजेपी ने देश की 60% ओबीसी आबादी का हक खाने का दुस्साहस किया तो ओबीसी इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। हमारी दशकों से मांग रही है कि महिला आरक्षण 33% नहीं बल्कि 50% हो और इसे तुरंत लागू किया जाए और इसमें एससी एसटी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण रहे। तो तेजस्वी यादव ने क्लियर कट जवाब दिया है, चेतावनी दी है। तेजस्वी ने केंद्र में सत्तासीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी रहे हैं और उनकी मानसिकता महिला आरक्षण विधेयक में झलक रही है। आखिर क्या कारण है कि इन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए इस बिल में प्रावधान नहीं किया है। यह भी कहा गया है कि इस बिल के माध्यम से इन समुदाय के लोगों को पूरी तरह छलने का काम किया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल को समर्थन मिल रहा है, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आ रही है, वहां तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, तो देखिए तेजस्वी यादव ने साफ चेताया है और इसमें उन्होंने एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साफ कह रहे हैं कि अगर आपने इन वर्गों को छेड़ने की कोशिश की तो समझ लीजिए कि आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। किनकी बात कर रहे हैं? उन ओबीसी लड़का वर्ग की, जो कि 60% ओबीसी आबादी का हक खाने का दुस्साहस किया तो ओबीसी ईंट से ईंट बजा देगा। तेजस्वी यादव ने एक तरह से मोदी सरकार को चेतावनी दी है और कहीं ना कहीं ओबीसी अल्पसंख्यक और एससी एसटी के पक्ष में खड़े होकर सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है। और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। अब मोदी सरकार का स्टैंड इस पर क्लियर हो चुका है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर, अब महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी यादव की इस बात का जवाब क्या दिया जाता है वो भी इंतजार का विषय रहेगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, खुलकर वो सामने हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार की मनसा पर सवाल तो खड़ा कर ही दिया। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।